एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपनी वीडियो। तो आज की जो मेरी वीडियो है गाइज, उसमें आपको सीखने को मिलेगी एक बहुत अच्छी ट्रिक। बहुत सारे लोगों ने मुझसे डिमांड की है इस ट्रिक के लिए, सो मैंने आज ये ट्रिक बनाई है। एंड इस ट्रिक में आप सीख पाओगे फर्स्ट वाइसराय कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, वो सारी चीज़ों को लेकर के आज हमने ये ट्रिक बनाई है। तो गाइज, अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे, तो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा ये अच्छे से ध्यान से। उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। बहुत सारे लोग मुझको कमेंट करते हैं, मुझे आपकी लिंक नहीं मिल रही, कहाँ आपने डाली हुई है, तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप फॉलो कर सकते हो। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, या किया है तो कोई फेक अकाउंट फॉलो किया है। जो लिंक में आपको दी हुई है लिंक, उसी को फॉलो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है रॉबर्ट है विलियम की मासी, तो इसको आप रॉबर्ट है विलियम की मौसी, जैसा भी आपको सही लगे वैसे लर्न कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे कितने नेम्स बन रहे हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए पहला नेम रॉबर्ट है, तो रॉबर्ट से बन रहा है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। अब उसके बाद है, तो है से है हेस्टिंग्स, पूरा नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स, आप सिर्फ हेस्टिंग्स भी याद रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको ठीक लगे, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। फिर है विलियम, देखिए रॉबर्ट और है से हो चुका है हमारा, अब है विलियम, तो विलियम से है विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। अब है की, देखिए लिखा हुआ है की, तो की से है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। देखिए ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि की से कैनिंग है, क्योंकि थोड़ा सा नाम जो है बहुत ज़्यादा मैच नहीं हो रहा है, लेकिन का आ रहा है दोनों में, तो आप इतना याद रख सकते हो, सिर्फ कैनिंग भी याद रख सकते हो, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है मासी, ठीक है, इनसे दो नाम बन रहे हैं, बाकी सबसे तो एक ही एक था, इससे दो बन रहा है। माँ से जो है वो बन रहा है माउंटबेटन, और सी से है सी राज गोपालाचारी, सी से है सी राज गोपालाचारी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार। रॉबर्ट से है रॉबर्ट क्लाइव, है से है वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम से है विलियम बेंटिक, की से है लॉर्ड कैनिंग, सिर्फ कैनिंग भी लर्न कर लीजिए, कर सकते हो आप। माँ से है माउंटबेटन, एंड सी से है सी राजगोपालाचारी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ये नाम जो है इनको हमको किस तरीके से लर्न करना है, कौन पहला है क्या है। तो देखिए पहली चीज़, अगर आपने ये ट्रिक याद की है तो आपको अच्छे से जो चीज़ें हैं ये आपको याद रहेंगी, लेकिन इनको आप उसी क्रम में रखिएगा वरना आपका गलत हो जाएगा। तो जिस क्रम में ट्रिक है उसी क्रम में आपका, उसी ऑर्डर में आपकी ये पूरे सारे नाम हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला नाम आया है रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव जो हैं वो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर, ठीक है, प्रथम गवर्नर, इनकी पोस्ट क्या थी, गवर्नर की, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग्स, ये थे बंगाल के, चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर और गवर्नर जनरल में थोड़ा डिफरेंस है, आप देख सकते हो। तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, रॉबर्ट क्लाइव थे बंगाल के प्रथम गवर्नर, वॉरेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। एंड इसके बाद देखिए विलियम बेंटिक,
तो देखिए गवर्नर जनरल के बाद, बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद जो गवर्नर जनरल होने लगे उनको इंडिया के पूरे भारत के गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। तो इनके बाद की मैं बात कर रही हूँ जब विलियम बेंटिंक का कार्यकाल शुरू हुआ। तो विलियम बेंटिंक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बंगाल के थे, सिर्फ बंगाल के, और यहाँ से गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल से, विलियम बेंटिक के कार्यकाल से, ठीक है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। अब देखिए इसके बाद है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो देखिए गवर्नर जनरल के बाद एक पद और आता है जो वॉइस रॉय का आता है। वॉइस रॉय भी आपने सुना होगा, कहीं कहीं नाम चेंज करके वॉइस रॉय रख दिया गया था, कुछ लोग गवर्नर जनरल, कुछ लोग वॉइस रॉय, और ये पद भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अलग अलग ही था, ठीक है। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वॉइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो भारत के प्रथम वॉइस रॉय ठीक है, भारत के प्रथम वॉइस रॉय, और ये वाला जो पद था गवर्नर जनरल का, तो उसमें हम बोल सकते हैं एक तरीके से अंतिम गवर्नर जनरल, लेकिन इस सेंस में नहीं। देखिए उसके बाद भी और गवर्नर जनरल भी हुए हैं, जो अंतिम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बोले जाते हैं जो कि भारतीय हैं, वो हमारे सिराज गोपालाचारी हैं। लेकिन यहाँ से एक तरीके से जो इनका था, ये गवर्नर जनरल अंतिम थे, और फिर उसके बाद वायसराय का पद, इनको पहले वायसराय बनाए गए थे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए माउंट बेटन। तो माउंट बेटन थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंट बेटन, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहां से यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। दोनों ही स्वतंत्र भारत के हैं, लेकिन ये भारतीय भी हैं साथ में, आप देख ही सकते हो भारतीय हैं ये। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। क्या नाम है इनका? सी राजगोपालाचारी। तो देख लीजिए लिखा हुआ है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ बंगाल है और यहाँ भारत है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वॉइस रॉय, माउंट बेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस बताइए मुझे कि कैसी लगी है आज की ये ट्रिक आप लोगों को, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।